लीजिए दोस्तों, इस समय हिसार की टीम के साथ इस समय परिचय और बड़ा मुकाबला होनार बैठे हैं इस वक्त हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से। इस वक्त महेंद्रगढ़ की टीम हिसार के सामने बड़ी चुनौती एक दूसरे के लिए, किरण, मुस्कान, आकांक्षा बेहतरीन टीम लेकर पहुंचा महेंद्रगढ़। एक यादगार छायाचित्र मैच से पूर्व खेल शुरू इसी के साथ है। स्नेहा चली है 8 नंबर पहचान संख्या में, देखते हैं हिसार की शुरुआत कैसी रहती है। और जबरदस्त हाई होल्ड, देखिए लक्ष्य के करीब है, बड़ी रेड यहाँ पहली रेड के ऊपर, सुपर डुपर शुरुआत, साइड 4 पॉइंट, ये देखिए कमाल का शुरुआत। आकांक्षा चली है, क्या आकांक्षाएं होंगी आकांक्षा से, और यहाँ आसानी से एंगल होल्ड कैच किया, तो पहली रेड स्नेहा की हिसार की ओर से, और 4 पॉइंट जीत के देखिए इतनी बड़ी और ठॉस शुरुआत है, और उसके बाद बेहतरीन डिफेंस, और अब 2 का डिफेंस है महेंद्रगढ़ के पास, लेकिन ऑल आउट, ये देखिए 2 रेड से ही ऑल आउट किया है हिसार ने महेंद्रगढ़ को। 9-0 से आगे इस वक्त 17 वर्षीय बालिका वर्ग देख पा रहे हैं यहाँ पे गुरुकुल मोर मांजरा करनाल से, और यहाँ साइड में बहुत ज़बरदस्त धक्का दिया है। हिसार पूरी फॉर्म में इस वक्त नजर आता हुआ, और हिसार के सामने महेंद्रगढ़ नतमस्तक होता हुआ। हिसार गोज टू इन डबल फिगर 10-0 से आगे। अच्छी शुरुआत पहली रेड से, 4 पॉइंट जीत के, और उसके बाद दबाव बनाने में कामयाब, और यहाँ बड़ी रेड लॉबी के माध्यम से 2 पॉइंट लगातार अपने खेल को गति प्रदान करता। आकांक्षा फिर से चली हैं अपेक्षाओं में, पिछले रेड पे खामोशियाँ देखने को मिली थी, और वही पुनरावृत्ति यहाँ उसी साइड लाइन से बाहर भेजा आकांक्षा को 13-0 से आगे, बेहद दबाव में, और यहाँ 10 पॉइंट किरण को बाहर भेजा कॉर्नर पे, और बाहर जा चुकी हैं, और अब सिर्फ 2 के डिफेंस में स्नेहा अनुभव का फ़ायदा उठाती हुई, ये देखे 2 पॉइंट के साथ 15 पे पहुंचा है, जबकि खाता खोलना अभी बाकी महेंद्रगढ़ का। हिसार अच्छी खासी लय में, और ये देखे साइड लाइन से धक्का देकर बाहर भेजा रेडर आउट, इसके साथ एक बार फिर से ऑल आउट, दूसरी बार ऑल आउट करता हुआ हिसार महेंद्रगढ़ को। जानवी, पहला रेड जानवी का संभवतः है इस मैच में, और सफलता के साथ वापस 19-0 से आगे। महेंद्रगढ़ सोच रहा है कैसे खेल को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ एक बार फिर से ढेर 20-0 से आगे, 2 बार ऑल आउट कर चुका है हिसार महेंद्रगढ़ को, और ये कहना चाहिए कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला, और यहाँ लगातार गलतियों का सिलसिला जारी। भारती को बाहर भेजा इस समय आकांक्षा, देखते हैं आकांक्षा लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, और लक्ष्य भी पार किया, बड़ी देर से सफलता मिली, पहली सफल रेड इस समय आकांक्षा और महेंद्रगढ़ की, तो पहला पॉइंट। अब जाकर देखे 21-1 का स्कोर, और यहाँ स्नेहा फिर से सफल होती हुई। आकांक्षा के ऊपर दबाव गहराता जा रहा है, 22-1 का स्कोर, 21 अंक की बढ़त, और बेहद दबाव में, इस दबाव से बाहर निकलना कतई आसान नहीं होगा आकांक्षा के लिए। और ये देखे आखिर शेफ ही वापस लौटी, पर शूट लगाना चाहते सफल, और जानवी चली है इस समय उदयमान खिलाड़ियों में से एक उभरती हुई स्टार, और यहाँ अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, 22-2 का स्कोर, लेकिन किक किया और खोज लिया पॉइंट कॉर्नर पे। कमज़ोर आकांक्षा है से अपेक्षा, पीछे मुड़ के देखा तो रेड जान लेकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं आकांक्षा, देखते हैं अभी यहाँ क्या गोल खिलाएंगे, और इसके साथ ही अच्छा डिफेंस और रेड आउट, और यहाँ पे पहली बार शानदार टेकल देखने को मिला है, परिवर्तन के तौर पे चली थी, और तीसरा पॉइंट महेंद्रगढ़ के गढ़ में, लेकिन देर हो चुकी है फर्स्ट हाफ का खेल, और बड़े लक्ष्य की ओर हिसार, तो हिसार से कोच हरपाल जी खुश होंगे टीम के प्रदर्शन से, और यह देखिए लक्ष्य तर बढ़ने की कोशिश, शानदार टेकल यहां फिर से बैक टू बैक, स्नेहा को बाहर भेजा इस वक्त, और 4 पे पहुंचा किरण ने, अच्छा कैच दिखाया भारती के साथ मिलके,
डी लाइन को छूकर क्या वापस लौटेंगे। पांच के डिफेंस में चार बड़ी देर से लगातार पॉइंटर जीत कर रहा था, लेकिन जाह्नवी खामोशियों के साथ आगे बढ़ी है। सत्रह वर्षीय आयु वर्ग में 57वीं स्कूली राज्य स्तरीय कबड्डी और एक और सफल रन जाह्नवी की। भारती देखते हैं आखिर दबाव है इसलिए सेफ ही कम बाकी। हाफ टाइम के समय स्कोर है हिसार 25 जबकि महेंद्रगढ़ 4, यानी कि 21 पॉइंट की बड़ी बढ़त है। और खिलाड़ियों की संख्या देखिए कितनी तादाद में यहाँ पे। सेकेंड हाफ का खेल शुरू होता हुआ और ये देखिए जाह्नवी शानदार हवा में करतब दिखाते भी भारती को बाहर का रास्ता दिखाया। किरण चली है खामोशियों में, राहें आसान नहीं होगी किरण के लिए, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यहाँ रडर आउट लूज कंट कंटिन्यू गलतियों से पॉइंट गंवाता हुआ। और यहाँ इशार की स्थिति बेहद मजबूत है, लेकिन इस बीच बेहतरीन टैकल यहाँ एंगल होल्ड कॉर्नर पे। पांचवा पॉइंट कुल मिलाकर देखा जाए तो महेंद्रगढ़ के गढ़ में 26-5 का स्कोर। सेफ कमबैक, दबाव में जूझता हुआ महेंद्रगढ़ जीत के करीब बढ़ता हुआ। और इस बड़े बढ़त के साथ जीत को हासिल करना चाहेगा हिसार की टीम। फिर से देखिए जाह्नवी सफल होते हुए। अब खोने को कुछ नहीं है महेंद्रगढ़ के पास, जोखिम उठाना चाहिए ताकि कम से कम कुछ बढ़त को तो कम किया जा सके। खामोशियां ही एक बार फिर से। सेफ कमबैक, और यहाँ टच पॉइंट शायद दोनों, जी हाँ ऑल आउट इसके साथ ही एक बार फिर से। 32 पे पहुँचता हुआ इस वक्त, दो बार फर्स्ट हाफ में और यहाँ तीसरी बार सेकंड हाफ में ऑल आउट किया महेंद्रगढ़ को हिसार ने। 33-6 यानी कि 27 अंक की बढ़त जीत के बिल्कुल करीब। बोनस से स्कोर में तब्दीलियां, 34-6 28 अंक का बड़ा फासला। और ये देखिए एक और अंक आसानी से अर्जित किया। 35-6 के साथ अब 29 अंक की लीड। और इस बढ़त के सामने अब वापसी लगभग असंभव, मैच समाप्ति के करीब। पांच के डिफेंस में इस वक्त महेंद्रगढ़, एक और पॉइंट यहां आसानी से। भारती चले हैं 36-6 का स्कोर, 30 अंक की विशाल लीड। और अब मैच बिल्कुल नतीजे के करीब, हिसार की जीत तय है यहां। और लीजिए बच गए शेटी, 36-6 30 पॉइंट के बड़े अंतर से हिसार ने महेंद्रगढ़ को पराजित किया। वेल प्लेड, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।